अमृतपाल सिंह के सामने झुकी मान सरकार। लवप्रीत तूफान को पुलिस ने किया रिहा। क्या भिंडरेवाला की तरह अमृतपाल का बढ़ गया है दबदबा। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का साथी लवप्रीत तूफान को रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आने के बाद तूफान और संगठन के बाकी साथियों ने जो बोले सोनी हाल के नारे लगाए। अब वह अपने साथियों के साथ श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेकने जाएगा। इस दौरान लवप्रीत ने कहा कि उसके साथ कस्टडी में पुलिस की तरफ से कोई बुरा व्यवहार नहीं किया गया है। ऐसे में उसकी रिहाई को लेकर क्या कुछ हंगामा हुआ, आइए जानते हैं। अमृतपाल ने खुलेआम सरकार को दी थी धमकी। लवप्रीत तूफान को जेल से बाहर निकालने के लिए पंजाब में गुरुवार को वारिस पंजाब दे से जुड़े हजारों लोगों ने अमृतसर के अजनाला में जमकर बवाल किया था। इस दौरान थाने पर भी हमला किया गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में बंदूकें और तलवारें थीं। इस प्रदर्शन के दौरान अमृतपाल सिंह ने सरकार को उसे छोड़ने की खुलेआम धमकी दी थी। सुनिए उसने क्या कुछ कहा। जेल भेजा 14 दिन के जुडिशियल रिमांड ते इन्हां कोल एक भी एविडेंस नहीं, सिर्फ बंदे का बयान है। उस बंदे ने बयान दिता अमृतपाल सिंह ने मैनूं कुटिया, गाला कढ़िया, इन्होंने मेरे ते परचा कर दिता, पांच धरावां ला दियां, मैं हुण बयान दिना, मुख्यमंत्री ने साडे ते वायलेंस कीती, करने परचा। ये बंदे सिर्फ पोलिटिकल मोटिव तो परचा कीता है। हुण साडी इको ही मंग है, असीं कदे वी इन्हां काम उदन वी आ सकदा जिदन तैयारी कीती है। इन्होंने कहा भी एक दिन का टाइम दे दिओ, मैं चार दिन का टाइम दिता बोलसिंग वाली स्टेज तो। इन्हां नूं लगदा सी भी असीं कुछ करन जोगे नहीं, मैं हुण वार्निंग दिना, अद्धे घंटे जां घंटे दे विच विच परचा ना कैंसल होया, जो कुछ होऊगा उहदा जिम्मेवार प्रशासन है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ, 20 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ PGI ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ FIR ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्या बोले पंजाब के मंत्री। पंजाब की भगवत मान सरकार अमृतपाल के काफिले को रोकने में नाकाम रही। इस मामले पर उनके मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पंजाब में हम इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं भगवंत मान जी, समझे कि नहीं? कुछ लोग लोगों का ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं, हम इन बातों में नहीं पढ़ते। हमारा सर समाज मैडम जी हमारा जो फोक्स है वो सारा विकास में है। पंजाब में अमन कानून दी अवस्था खराब करन दी किसे नूं इजाजत नहीं दिया। क्या है पूरा मामला। दरअसल 17 फरवरी को अमृतपाल सिंह और उसके 6 साथियों और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। वरिंदर सिंह ने आरोप लगाया था कि अमृतपाल और उसके साथियों ने उसका अपहरण किया था, उसके साथ मारपीट की और बेइज्जती की, उसकी धनराशि भी लूट ली। इस मामले में पुलिस ने अमृतपाल के साथियों को पकड़ने के लिए छापामारी शुरू कर दी थी। इस मामले में लवप्रीत को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।